जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अपने 69वें अंतर्राष्ट्रीय शतक के साथ विराट कोहली ने तोड़े कौन कौन से रिकॉर्ड। विराट कोहली ने शुक्रवार को अपना सर्वाधिक टेस्ट स्कोर 254 बनाया, जो किसी भारतीय कप्तान का सर्वाधिक टेस्ट स्कोर भी है। कोहली अब टेस्ट में सर्वाधिक 7 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय और टेस्ट में सर्वाधिक 150 स्कोर बनाने वाले कप्तान हैं। वहीं 6 अलग अलग देशों के खिलाफ टेस्ट में दोहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय भी बन गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का 8वां पदक जीतकर इतिहास में सबसे सफल मुक्केबाज बनी मैरीकॉम। भारतीय मुक्केबाज मैरीकॉम वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के 8 मेडल पुरुषों या महिलाओं की सभी श्रेणियां मिलाकर जीतने वाली इतिहास में पहली मुक्केबाज बन गई है। शनिवार को 51 किलोग्राम फ्लाईवेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में तुर्की की अपनी प्रतिद्वंदी से 1.4 से हराकर मैरीकॉम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। मैरीकॉम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 6 स्वर्ण और 1 रजत जीता है। प्रो कबड्डी लीग विजेता को मिलेगा 8 करोड़ रुपए का इनाम। प्रो कबड्डी लीग के 7वें सीजन में टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कार के तौर पर कुल 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तथा तीसरे और चौथे पायदान पर रहने वाली टीम को 90-90 लाख की राशि दी जाएगी। आयोजकों ने इसकी घोषणा की। लीग के सबसे मुश्किल सप्ताह की शुरुआत अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में स्थित ईकेए एरिना में होगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।